हिम्मत कराइए जांच, कराइए जांच। बड़े भाग्यशाली हैं कि दो दो पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं, लेकिन हम तो गांव के गलियों से एक शिक्षक पुत्र के रूप में आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है, आप बिहार 100 देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन भी काफ़ी हंगामेदार रहा। देखिए, एक तरफ बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आज सदन में मौजूदा महागठबंधन की सरकार के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सामने लगातार एक पर एक पोल खोल रहे थे। देखिए, आपको बता दें, उन्होंने विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके माता और पिता दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हम एक साधारण शिक्षक के पुत्र हैं, किसान के पुत्र हैं। देखिए, सामने नीतीश कुमार थे, उनके सामने विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव को कहा कि आपको नीतीश कुमार से सीखने की ज़रूरत है, नीतीश कुमार बुजुर्ग भी हैं और काफ़ी अनुभवी भी हैं, तो आप उनसे कुछ सीखिए। और हम भी जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे और उस कुर्सी पर बैठते थे, तो हमें पता है कि आपके पास डेटा और मौजूदा जो उस वक्त की सरकार होती थी उसके खिलाफ कैसे आपके पास डेटा आते थे। इन तमाम चीज़ों को लेकर विजय सिन्हा ने आज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को खूब सुनाया और उन्होंने कहा कि है हिम्मत तो सरकार जांच कराए, पुराने सरकार में क्या गड़बड़ी हुई थी, अगर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ था तो क्या कुछ कर रहे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, जरा आप पूरा वीडियो देखिए। उप मुख्यमंत्री जी स्वस्थ लगते हैं, देखने में जुवा भी हैं, और आप तो कहते हैं अब लीजिए सुनबे नहीं करेंगे। उप मुख्यमंत्री जी प्रश्न पूछते हैं सुनते नहीं है तो कैसे चलेगा। अरे आप कहिए ना, उस मुख्यमंत्री जी अनुभवी और बुजुर्ग हो गए, लेकिन आप तो जवान हैं। मुख्यमंत्री जी अपने अनुभव को भी आपको शेयर कर रहे हैं, और आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि दो दो पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं आपके पास। जब नेता प्रतिपक्ष थे और हम उस आसन पर बैठते थे तो मुझे जानकारी थी कि आपके पास डाटा आंकड़ा और वर्तमान सरकार के प्रधान सचिव भी आकर के सहयोग करते थे, लेकिन हम तो गांव के गलियों से एक शिक्षक पुत्र के रूप में आए हैं। आपने जो प्रश्न किया तो आप सरकार में हैं, सुन लीजिए कि अगर जो पूर्व के मंत्री, पूर्व की सरकार कोई गड़बड़ी की है, कोई भ्रष्टाचार किया है, हिम्मत है तो उसकी जांच कराइए। पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं, और अगर जो जांच नहीं कराते हैं तो हमारे सारे मंत्री बेदाग हैं। सरकार को खुला चुनौती है, उस सरकार के नेतृत्व आज आपके साथ जो मुख्यमंत्री हैं वही थे। मैं भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री जी का दो तीन विषय मैंने हृदय से स्वीकार करता हूं,